नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध महासभा के अध्यक्ष आरएस गौतम जी, साथ ही ये केंद्रीय शिक्षक भी हैं बौद्ध धर्म के। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बाबा साहब ने नागपुर को ही क्यों चुना बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, इससे पहले मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ और सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1935 में एक घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में तो पैदा होया हूँ लेकिन हिंदू धर्म में मरूँगा नहीं, और इसी तरह से उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के बाद नागपुर में कम से कम 6 लाख अनुयायियों के साथ, जिसमें 5,000 ब्राह्मण भी थे, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। पहले खुद बाबा साहब ने दीक्षा ली और फिर सभी को 22 पत्रकार के साथ दीक्षा दी। और इसके बाद कुछ पत्रकारों ने उनसे पूछा कि बाबा साहब आपने नागपुर को ही क्यों चुना बौद्ध धर्म के लिए, और बहुत से शहर थे उसमें आप बौद्ध धर्म को दिल्ली में भी ले सकते थे, कहीं और भी ले सकते थे, और नागपुर ही क्यों चुना? तो बाबा साहब ने कहा कि इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है, और वो इतिहास है कि जो नागपुर है, नाग राजाओं की राजधानी थी, और ये जो नाग लोग थे ये बौद्ध थे और बड़े बहादुर थे, वीर थे। इन्होंने पूरे संपूर्ण भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, और नागपुर से 30 मील की दूरी पर एक नदी भी बहती है जिसका नाम भी नाग नदी है, और इस तरह से सारा भूभाग जो है ये नाग जातियों का था, और नाग जो जाति थे बहुत ही वीर बहादुर थे। उन्होंने पूरे भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और हम उन्हीं वीर नागों की हम संतान हैं, और इसी वजह से मैंने नागपुर को बौद्ध धर्म के लिए चुना। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, क्योंकि यहाँ आरएसएस का कभी गढ़ है, ऐसा कोई मतलब नहीं था कि आरएसएस को चिढ़ाने के लिए मैंने ये बौद्ध धर्म को यहाँ पर ग्रहण किया। सर, बाबा साहब ने बौद्ध ही धर्म क्यों चुना? वो कोई दूसरा भी धर्म चूज कर सकते थे, तो इसके बारे में आप हमें बताएंगे? देखिए, इसके बारे में वो हिंदू धर्म में रहते हुए उन्होंने बहुत सारी, जब उन्होंने 1935 में ये घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हूँ लेकिन मरूँगा नहीं, इसके बाद उन्होंने जो बड़ौदा के महाराजा थे उन्होंने बाबा साहब को बुलाया, और बाबा साहब को बुलाने के बाद अपने महल में रखा और गुरु ग्रंथ साहिब भगवान बुद्ध को पढ़ने के, बाबा साहब को पढ़ने के लिए दिया। बाबा साहब उसका अध्ययन कर रहे थे, तो इसी बीच में उन्होंने जो राजा थे वहाँ के पंजाब के, उन्होंने कहा कि आप हमारे प्रधानमंत्री बन जाइए, हम आपको प्रधानमंत्री का पद देते हैं, आप सिख धर्म स्वीकार कर लीजिएगा। तो बाबा साहब ने को फिर एक फैक्स भी किया गया कि इनमें भी जात पात की परंपरा है, क्योंकि सिखों में 60% जाट है और 40% वो क्या नाम सुलकास हैं, उनमें भी जो सुलकासों को ग्रंथी नहीं बनने दिया जाता, ऐसा उनका मानना था उस समय का। तो बाबा साहब ने उसका अध्ययन किया। इसके बाद जो हैदराबाद का निजाम था, जो मुसलमान धर्म को मानने वाला था, उन्होंने बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब आप मुसलमान धर्म को अपना लीजिएगा और हम आपको 6 करोड़ रुपये या 6 अरब रुपये, आपको 6 करोड़ रुपये आपको देते हैं आपके समाज के लिए, उद्धार के लिए। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि देखिए, मुसलमान भी एक कट्टरवादी है, सुन्नी हैं और शिया हैं, और इनमें भी जातिवादी है, कट्टरवाद है। इस वजह से बाबा साहब ने मुसलमान धर्म को भी नहीं अपनाया। इसके बाद क्रिश्चियन धर्म था, क्रिश्चियन धर्म भी विदेशी धर्म था, ये हमारे देश का धर्म नहीं था, और बाबा साहब चाहते थे मेरे पे ऐसा कोई धब्बा ना लगे ताकि मैं विदेशी धर्म को अपनाऊं। इसके बाद हिंदू धर्म में रहते हुए तो उन्होंने सैकड़ों बार अपमानित होना पड़ा, जैसा कि आपका ये कालाराम मंदिर था, कालाराम मंदिर के प्रवेश करने के लिए उन्होंने कई महीने लगे, पुलिस फोर्स लगा दी गई और उसको कालाराम मंदिर में प्रवेश नहीं किया गया। इसके साथ उन्होंने था तालाब का महार तालाब है, उस तालाब के पानी पीने के लिए उन्होंने अनुमति मांगी, जब गवर्नमेंट में अनुमति थी, लेकिन जब वो पानी पीने के लिए वहाँ पर गए, उनका जलूस वहाँ पर गया, तो उन्होंने हिंदुओं ने पानी तो ले लिया, तो हिंदुओं ने उन पर लाठी बरसाई और बहुत सारे अत्याचार किए, और उसको पीने के बाद एक कुत्ता बिल्ली तो पानी पी सकता है, एक अशुद्ध पानी नहीं पी सकता था, और उस तालाब को गोबरों से, गाय के मूत्र से शुद्ध किया गया। इस वजह से बाबा साहब को शुरू से ही अंतिम तक इनका हिंदुओं का अपमान सहना पड़ा, और इस अपमान को उन्होंने बहुत सारे चांस दिए, और चांस देने के बाद उन्होंने सोचा कि शायद हम सुधर जाएं और हम इनको देखकर नहीं माने, तब इन्होंने इनका अपमान सहना नहीं किया, तब जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया, और बौद्ध धर्म में समता, स्वतंत्रता और बंधुता, इन तीनों चीज़ का समावेश है। बौद्ध धर्म इस देश का
धर्म है और सिद्धार्थ गौतम इसी देश में पैदा हुए थे, भगवान बुद्ध इसी देश में पैदा हुए और उन्होंने इस धर्म का प्रचार प्रसार किया और बाबा साहब ने इसका अध्ययन तो 1900 जब वो मैट्रिक पास हुए थे 1907 में जब उन्होंने मैट्रिक पास किया तो उनके एक गुरु थे जो पंडित थे, उन्होंने बोधचरित्र नामक पुस्तक भगवान बाबा साहब को दी थी। उस पुस्तक का भी अध्ययन करते करते और बाबा साहब ने अध्ययन किया और अंत में जा कर के उन्हें 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म स्वीकार किया। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस चैनल से बात करने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।